पंजाब दे विच चरणजीत सिंह चन्नी दी सरकार नूं बने एक महीने तो वध समा हो गया है। कारगुजारी की रही है? अकाली दल वालों लगातार हमले किए जा रहे ने सरकार दी कारगुजारी उपर। सुखबीर सिंह बादल कल आए सी, उन्होंने सीधा दोष लाया कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार अगे BSF दा अधिकार खेत्र वधाए जाण नूं लैके सरेंडर कर दिता। तां कुलवीर सिंह जीरा साडे नाल ने, विधायक ने कांग्रेस दे जीरा हलके तों, हमेशा बड़ी गल बेबाकी नाल रखदे ने। जीरा साहब, सब तों पहलां सरकार दी एक महीने दी कारगुजारी दे उत्ते अकाली दल ने यह दोष लाया कि सरेंडर कर दिता गया केंद्र सरकार अगे, तुसीं की कहना चाहुंदे? सब तो पहला तो अज राजकमलप्रीत जी लक्की जी की ताजपोशी ते आए हैं। सब तो पहला तो उन्होंने मैं वधाई देना कि प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन वालों वजो अहुदा संभाल रहे हैं। और बाकी जिहड़ी रह गई गल सुखबीर दी, मैं एक चीज़ वेखी है कि सुखबीर चाहुंदा है कि उन्दी रोज़ कुत्ते खानी होया करे। और जिहड़ी वह गल करदा सरकार की कारगुजारी वह लोग दस रहे हैं, क्योंकि चाहे बिजली के बिलों लैके गल कर लीए, 2 किलो वाट तक के जोड़े असी बिजली के बिल जोड़े माफ किए ने, चाहे असी पानी की गल कर लीए, चाहे असी होर किसी तरह के, क्योंकि जेडे क्योंकि अजे एक महीना होया। और तुम वेख रहे हो कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी बहुत वधिया काम कर रहे हैं, सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जी वधिया काम कर रहे हैं, साढ़े OP सोनी जी तुम हेल्थ डिपार्टमेंट के देख रहे हो, डिप्टी CM साहब, वो सारे वधिया काम कर रहे हैं। और मैं गल कहना कि इन्हों तो जोड़े मुद्दे से इन्हों को अज इन्हां दे कोल कोई मुद्दा नहीं रह गया गा। अज मैं अगे सुखबीर का एक बयान सुन रहा सी, कहना नवजोत सिंह सिद्धू क्यों नहीं बोलता। मैं कहा नवजोत सिंह सिद्धू तो कुत्ते खानी करवानी है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा सच बोलता है और वह कहता है कि एदू वड्डा गप्पी कोई नहीं हैगा गा सुखबीर बादल तो। और मैं गल कहना कि अज तुसीं वेखो जदों तो चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने ने, रंधावा साहब सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी CM बने ने, होम मिनिस्टर बने ने, तो उदों तो तुसीं एक चीज़ वेखीए कि यह पता नहीं किहड़ी खुड दे विच वड़ गए, ना तो मजीठिया दिसदा ना सुखबीर दिसदा। और इन्हां दा कोई भी, मैं गल कहना कि अज मुद्दियां दी गल, अज जे सरकार काम कर रही है तो जे कामां दी तुसीं सलोथ नहीं करनी तो घट्टो घट जिहड़े काम आ उन्हां नूं कंटिन्यू होण दिओ। इस करके मैं ये बेनती करदा वां कि यह जिहड़ा रिजल्ट आ 2022 दीआं चोणां दे विच तुसीं वेख्यो, क्योंकि लोकां दा एक जिहड़ा वधिया मुख्यमंत्री वजो सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़े आ उभर के अगे आ रहे, और उन्हां दे काम जिहड़े उह अज बोलदे ने, कैबिनेट वल्लों लए गए फैसले जिहड़े ने अज उन्हां ते मोहर लग रही है, और लोकां दे विच जिहड़ा एक लोक प्रियता जिहड़ी आ उह कांग्रेस पार्टी दी जिहड़ी वध रही है। जीर साहब, बट जिहड़ा सवाल है कि लगातार दिल्ली वी बुलाया जा रहा चन्नी साहब नूं, की सब कुछ अच्छा है कांग्रेस दे विच? वाकई नवजोत सिंह सिद्धू दा वी बयान नहीं आया, तुसीं की इस परसन तौर ते कहना? गल इह कि कई चीज़ां ने जिहड़ियां एकदम रल गईआं, जिवें कि सब तो पहलां प्रधानगी दा चल रहा सी ते सरदार नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बने, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ CM ਬਣੇ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਆ। BSF ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਆ ਕਾਫੀ ਪੈਂਦਾ, BSF ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ BSF ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਇੱਕ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ SC, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
उन्होंने एक चंगा इंचार्ज भी सानू रीश चौधरी जी दिते और चंगा मुख्यमंत्री जिहड़ा जिहड़ा दलित चेहरा क्योंकि दलितों के सिर ते जिहड़ी अज जिहड़ा ताज जिहड़ा सजाया है वह कांग्रेस पार्टी ने सजाया है। जे पहला जे प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने बनाया तो वह भी कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जिहड़ा फैसला लिया है वह लोगों के हित च लिया है क्योंकि बादलों ने जदों फैसला लिया परिवार लिए लिया जिहड़ा केजरीवाल तो अजे तक फैसला नहीं लिया जा रहा। केजरीवाल आ तो जाते पंजाब पर कहिंदे आ मैं अनाउंस करके जावांगा मुख्यमंत्री कौन होगा अजे तक इन्हां तो मुख्यमंत्री नहीं अनाउंस हो रहा। और जे भगवंत मान नूं मुख्यमंत्री ना अनाउंस किया तो मैनू नहीं लगता कि भगवंत मान इन्हां नूं इलैक्शन लड़ूगा। जे बलजिंदर कौर नूं अनाउंस ना किया तो मैनू नहीं लगता वह लड़ूगा। जे हरपाल चीमें नूं ना किया मैनू नहीं लगता इन्हां नूं इलैक्शन लड़ूगा क्योंकि इन्हां दे जिहड़े किसे वल्ले भी जा सकते हैं किसी पार्टी च भी वह जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने सारे ही ये जिने जने दिल्ली जाते इन्ह सारे मुख्यमंत्री बना के तोरते हैं। और जिहोजा लगता है कि इन्होंने आखिर आपकी घरवाली आप ही पंजाब तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लोग इन्हों मूँह नहीं लाएंगे। लोग पहला भी आप का सफाया किया हूँ भी आप तो अकाली दल चाहे बीजेपी पार्टी आ उनका सफाया करे और वो तो वह जिहड़ियां सीटां कांग्रेस पार्टी जित के जिहड़ा किला जिहड़ा सर करेगी और 2022 च जिहड़ी सरकार बना सरकार बनेगी। तुसीं कह रहे केजरीवाल कोल नहीं चेहरा दिता जा रहा कांग्रेस का चेहरा स्पष्ट है जी कौन बनेगा मुख्यमंत्री चन्नी साहब की अगवाई जी जाओगे। गल ये कि कांग्रेस का चेहरा जिहड़ा अज तुसीं वेखो एक दलित चेहरा जिहड़ा दिता जिहड़ा काम कर रहा हमेशा वर्कर यह चाहते आ पार्टी ये चाहते आ जिहड़ी लोक प्रियता जिंदी लोगों के विच होवे वह चेहरा ही बनना चाहिए। गल ये कि अज जे चाहते ने लोग कि भगवंत मान नूं बनाउणा चाहिदा क्यों नहीं बनाउंदे जे लोग चाहुंदे ने बलजिंदर कौर नूं बनाउणा चाहिदा क्यों नहीं बनाउंदे इह क्यों दिल्ली तों लिया के इत्थे थोपदे ने। असीं पंजाब दे विचों जिहड़ा कि साडा मुख्यमंत्री होएगा और पंजाब दे विचों ही चरणजीत सिंह चन्नी ने जिहड़े कि अज मुख्यमंत्री वजों काम कर रहे ने इहो ही अगे रहणगे बिल्कुल अगे रहणगे जिहड़ा अज मुख्यमंत्री है जे उह वधिया काम कर रिहा है ते उही अगे रहेगा। जीरा साहब जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी गल कीती अमित शाह नूं लगातार मिले ने उह जिहड़े हुण खेती कानूनां दे विच कह रहे सीगे परसों वी उन्होंने कहा कि खेती कानूनां दा कोई ना कोई हल जिहड़ा निकलना भावें कि किसान कह रहे साडे असीं साडा कोई लेखा दोखा नहीं है तुसीं की देखदे कैप्टन अमरिंदर सिंह कढवा सकदे ने जिहड़ा इह हल कोई जिहड़ा नहीं निकल रिहा। गल इह आ कि इह किसानां दे नाल हमेशा इक इन्हां ने मजाक कीता आ हुण वी इन्हां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि मैं हल करावांगा हल मैनू नहीं लगा कि यहोजा हल करा रहे हैं। अज तुसीं रोज़ खबरां वेख रहे हो रोज़ वेख रहे हो असी भी जिहड़े आ चाहे जसवीर सिंह डिंपा जी की गल कर लईए चाहे गुरजीत औजला जी की गल कर लईए चाहे रवनीत बिट्टू जी चाहे अज असी राज कमलप्रीत जी जिन्हां दी ताजपोशी ते आए हां असी सारे जिहड़े जंतर मंतर ते बैठे और किसान जिहड़े आ अज जिन्हां नूं 11 महीने दे करीब हो गए यह कहिंदे सी दिवाली ते तोहफा देंगे इहोजा तोहफा देणगे जिहोजा दिल्ली दे विच दे रहे ने बैरीगेट खिला रहे ने धक्का कर रहे ने। और मैं गल कहिंदा कि इह जिहड़ा हमेशा किसानां दी और सिख कौम दी जिहड़ी उह जित होई है और किसान हमेशा जिहड़ा जित के जिहड़ा दिल्ली तों परतणगे और असीं सारे ही किसानां दे नाल ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ी पार्टी बना रहे ने भाजपा दे नाल जिहड़े सीट शेयरिंग दी गल कर रहे भावें उह ढींसा साहब दे नाल कर रहे उस दा कोई कांग्रेस नूं कोई नुकसान होएगा जी। मैं तां कैप्टन साहब नूं इक सलाह देवांगा कैप्टन साहब कहिंदे कि विकास पंजाब विकास पार्टी बनाउणी है ते पंजाब वालियां ते तां तुसीं पहलां ही नहीं क्योंकि पंजाब दे विच जे हुण कैप्टन साहब दा नां लै लईए ते लोक ना अगो गाला कढ़दे ने ते इस करके कहना कि जे बनाउणी है पार्टी ते तुसीं कैप्टन विकास पार्टी बनाओ क्योंकि पता लग सके कि किहड़े किहड़े तुहाडे भरतिंदर चाल अरगे जां होर किहड़े इहो जिहे लोक आ जिन्हां ने जिवें कि रूसा मैडम ने कि जिन्हां ने मनी लॉन्डरिंग दे इहनां दे केस बनने चाहीदे आ और इन्हां दी जांच भी असीं करांगे। और विकास जी होया ते इन्हां दे जिहड़े खासम खास सी उहनां दा होया पंजाब दा कोई विकास नहीं होया अज जे पंजाब दा विकास होया हो रिहा ते चन्नी सरकार दे विच ही हो रिहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह उहनां ने ते रूसा आलम दीयां काफी फोटोआं सारयां नाल शेयर करदे जिहड़े कांग्रेस दे लीडर ने इवन सोनिया गांधी उहनां दीयां वी करतीआं जी उह कहिंदे कि सारयां नूं पता सीगा जी। गल इह आ कि हुण अज मैं इत्थे आया अज मेरे नाल जे 10 बंदे आए ने ते जे लक्की ने प्रोग्राम ते जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह उहदे पुछे बिना चलदे नहीं सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी जिहड़े डबागडोर सी उह तां सारी रूसा मैडम दे हत्थ सी रूसा दी जिहड़ी सी उह अमित शाह दे हत्थ सी। इस करके कहना कि फोटोआं तां कोई वड्डी गल नहीं अज फंक्शन ते आया अज कोई भी इत्थे फोटो खिचा सकदा इस करके फोटोआं दी नहीं गल पर लोकां नूं इह पता कि रूसा आलम जिहड़ी सी उह किहदे नाल सी ते किहदे नालों दी गल सी। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ
और उस तो बाद हलका वाइज जो रैलियां शुरू की जाएंगी। ਇਹ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ABP ਸਾਂਝਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।